पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अंदर किया, अंदर जाने के बाद देखा कि वेट में पड़ा हुआ है, उसको जो है पेट में गिरा हुआ है। चोरी का ही आशंका लगा सकते हैं, चोरी के साथ जिसके कारण नहीं चाहते हैं हुआ हो सकता है। कैसे लोग थे सामाजिक व्यवस्था में, कैसे लोग में उनको इतना मार दिया। क्या लग रहा है आपको, जो हत्या कर दिया गया सुप्रीमो मुकेश सैनी के पिता की हत्या कर दी गई। आज अगले सुबह उनकी लाश जो है, उनके पैतृक आवास जो है उनसे बरामद किया गया। जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि आज सुबह जब उनका गेट नहीं खुला तो हम लोगों को आशंका हुआ, जब उनको जगाने आए लोग तो उनकी लाश मिली, क्योंकि गेट नहीं खुल रहा था तो उन्होंने गेट तोड़ के ऊपर गए। हम बात करेंगे, ये उनका पैतृक आवास है, यहाँ उनके जो भतीजे हैं, जो जीतन सहनी के भतीजे हैं वो यहाँ। क्या कैसे जानकारी मिली आप लोगों को? मुझे जानकारी जो है फूल वाला फूल देने के लिए आया, उसको रात में बोल दिया था, मंगलवार है ये बजरंग बली के मंदिर हर मंगलवार को जाते हैं, उसको बोला था फूल लेकर पीछे हूँ। फूल जब वो लेकर के आया तो उसने आवाज़ दिया, तो आवाज़ देने के बाद जो है नहीं खोला, सोचा सोया हुआ होगा। उसके दौरान में जो है वो फिर थोड़ा देर खटखटाया और चला गया, फिर थोड़ा देर बाद आया, फिर खटखटाया और देखा कि नहीं खुल रहा है। तो बगल में सत्तू वाला है, उसको बोला थोड़ा फोन कीजिए, तो गेट नहीं खोल रहे हैं, उनका भी कोई रिस्पांस नहीं आया। सोचा पीछे से जा करके देखते हैं, अल्लाह करेंगे हो सकता है नज़दीक में होगा तो आवाज़ सुनेगा तो खुलेगा, नहीं खुला। उसके बाद पीछे जैसे ही गया तो देखा कि गोदरेज अलमारी सब पीछे फेंका हुआ, देखने के बाद वो देखा कि भाई पीछे से गेट भी जो है टूटा हुआ है, खुला हुआ है। तो अंदर किया, अंदर जाने के बाद देखा कि गेट भी पड़ा हुआ है, उसको जो है पेट में गिरा हुआ है। वो आकर के सबसे पहले हमको इन्फॉर्मेशन दिया कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है। हमने इधर से उठे और सब पहले जा कर के देखे इस तरह का। प्रथम दृष्टि से क्या लग रहा है, हत्या है कि ये फिर चोरी के बहन चोरी करने के एवज में? चोरी का ही आशंका लगा सकते हैं, चोरी के साथ जिसके कारण नहीं चाहते हुआ हो सकता है। कैसे लोग थे सामाजिक व्यवस्था में, कैसे लोग में उनको इतना सब कल उनसे आपकी मुलाकात हुई थी? कल हमको तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन और आदमी सब से बातचीत हुई है। कल देर रात 10-11 बजे मुकेश सहनी से आज बात हुई है, कब तक वो पहुंच रहे हैं? बात हुई है सवेरे में, इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दे दिया गया है, और मुंबई में है उनका अभी भी बात हुई है कि अभी वो फ्लाइट पकड़ रहे हैं, लगभग 3 बजे उनका फ्लाइट मिलेगा, 3 बजे वो पटना लैंड करेंगे। आप कौन हुए मुकेश सहनी? मेरा चाचा भाई है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी 3 बजे क्या पता चला? मुकेश सहनी के पापा को चाकू मार दिया। क्या लग रहा है आपको, जो हत्या कर दिया गया आप लोगों को कब जानकारी मिली? सुबह में अखबार के और मोबाइल के यूट्यूब पर जो खबर प्रकाश उससे जानकारी मिली। क्या जानकारी मिली थी? जो धारदार हथियार से पूर्व मंत्री के पिता को मार दिया। मुंबई में है वो, 3 बजे पटना पहुंचेंगे, उसके बाद सीधे अपने पैतृक आवास आएंगे। आपको सीधी तस्वीर दिखा देंगे, जो अभी जो डॉग स्क्वाड है वो टीम पहुंची है, जो जांच की हर एक बिंदु है वो उस पर किया जा रहा है। जो जगन्नाथ रेड्डी हैं, जो दरभंगा के SSP हैं, वो सभी बिंदुओं पर जांच उधर है, वो साइन करना है। वरुण कुमार, न्यूज फाउंडेशन, दरभंगा।